सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा है कि इसमें दोनों सरकारें बैठ करके और केंद्र सरकार उसका समाधान निकाले और उसी के निमित्त ये बैठकें चल रही हैं, क्योंकि ये सारा का सारा विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ध्यान में है। और सर्वोच्च न्यायालय ने जो बात कही है, जो पानी हरियाणा को मिलना चाहिए वो पानी उसको अवश्य मिले, क्योंकि एक्स्ट्रा पानी नहीं मांग रहे, जो हमारे हरियाणा के हिस्से का पानी है उसी पानी को मांग रहे हैं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा है उसके अनुसार ही ये बैठना होगा। देखिए, उनका जो विषय है उसके अंदर मैं नहीं जाना चाहता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो दिशा निर्देश थे उस दिशा निर्देश के अंदर ये बैठक हो जाएगी। कहा था कि बिल्कुल पंजाब के तमाम लोगों को जिनको इस मुद्दे के बारे में जानकारी है उनसे बातचीत करनी चाहिए, पंजाब सरकार को सब पार्टियों की मीटिंग बुलानी चाहिए और बैठ के जो सारी बात निकले उसके बाद आप अपना पक्ष, जो आकल मीटिंग होगी या ऊपर कहीं मीटिंग हो वहां पर रखें। लेकिन मेरे को लगता नहीं है एक ही बात कहने से, क्योंकि हमने तो यही कहना है उसमें कि अब पानी पंजाब का है, आपका हक बनता ही नहीं। ये बात हरियाणा सुनने को तैयार नहीं, ये बात पंजाब के गवर्नर अगर उसमें बैठेंगे तो वो सुनने को तैयार नहीं है। तो मैं समझता था कि बिल्कुल इस मुद्दे पर एक चर्चा होनी चाहिए थी पंजाब के अंदर, जो कि नहीं हुई है। नया कोई तरीका बताता, कोई हल बताता, जरूरी नहीं है कि हमें सब चीज़ की नॉलेज हो।